तो ये मेरे पास आलू मटर का मसाला तैयार किया हुआ है, जो सब्जियां होती है ना आलू मटर की हमारी, वो मसाला तैयार किया हुआ है। इस तरह से सूखा सूखा मसाला तैयार करना है हमें, ये थोड़ा भरने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैं थोड़े से इसके अंदर जो पालक है ना बॉईल किया हुआ वो मिक्स कर लेती हूँ। नमक मिर्च आप टेस्ट कर लें और उसके बाद में इस तरह से मसाला तैयार कर लें। तो हम बना रहे हैं पालक की कचौरियाँ, जो कि बच्चे ऐसे तो नहीं खाते हैं, पर जब आप कचौरी बना करके कोई भी उसके अंदर सब्जियां डाल करके बनाएंगे तो वो बच्चे जरूर उन्हें खाएंगे। पालक को मैंने बॉईल किया हुआ था, तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक टेस्ट कर लिया मैंने, बिल्कुल सही से इसके अंदर नमक और मिर्च है। तो ये अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया है, तो चलते हैं हम कचौरियां बनाने के लिए। आटे को मैंने घी लगा करके चिकना कर लिया है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं, दो दो कचौरी के जितनी हम लोइयां इसकी तोड़ लेंगे। एक लोई लेंगे हम और अब हम इसको इस तरह से लोई बना लेंगे। थोड़ी सी आटे की डस्टिंग करेंगे और इसको बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना वैसे हमें इसको बेलना है। इसको बेल करके तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल या घी लगा लेंगे, इसके चारों तरफ ऐसे फैला देंगे। थोड़ा सा हम आटे की डस्टिंग करेंगे इस पे। मैं बना रही हूँ आटे के, क्योंकि आटा सबके घर में होता है, मैदा किसी के पास होता नहीं होता है, और मैदे के अच्छे भी नहीं बनते हैं, इसलिए आटे के ही बनाने चाहिए। अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है, दो फोल्ड में। फिर मैं इसकी एक और फोल्ड कर देती हूँ। इस पे थोड़ा सा फिर से हम घी लगा लेंगे, जो भी आप घी या तेल यूज कर रहे हो वो लगा लीजिएगा। फिर थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर दीजिएगा, फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी एक फोल्ड और करेंगे, इसको इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए बड़ा कर लेंगे। फिर से इसको इस तरह से आटे से कोट करेंगे, फिर से हम इसकी एक फोल्ड और कर लेंगे। ये थोड़ा सा फोल्डिंग आप ध्यान रखिएगा, ये हमने एक फोल्ड और कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फैलाएंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबाते हुए आप इसको फैला लें, चाहे तो आप बेलन से भी इसको है ना ऐसे करके फैला सकते हैं। देखिए बेलन से इसको ऐसे फैलाया जा सकता है। इसको फैला दिया है, फैलाने के बाद क्या करना होता है, देखिए यहां से इसको हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से। इसी तरह से सारी लोइयां तैयार कर लेते हैं। जब सारी लोइयां तैयार हो जाए तो एक लोई लेंगे और एक ले लेंगे धागा। हम इसको ना चक्कू से या नाइफ से कट नहीं करेंगे, बल्कि धागे से इसके दो पार्ट्स कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एक धागा लेना है और बीच को बिल्कुल सेंटर पे लगा करके धागे को हल्का हल्का खींचना है, बस ये आपकी दो लोई तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोई बना सकते हैं। अब देखिए कितनी सारी लेयर आएंगी इसके अंदर। अब आप लेयर देख सकते हैं, बीच में लेयर वाले पार्ट्स को नीचे रखेंगे और ऊपर से इसको थोड़ा सा आटा लगा करके बेल लेंगे।
जितना हमारी कचौरी बनानी हो ना उस हिसाब से लेयर आप देख सकते हैं नीचे से कितनी सारी लेयर आ रही है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको आपको बेल करके तैयार करना है। अगर आपने जोर से दबा दिया ना तो आपकी लेयर है ना ऑयल में फ्राई करते इसमें खुलेगी नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना हल्के हल्के हाथों से आपको इसको बेल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। लेयर अच्छे से दिख रही है नीचे से, तो अब इसके अंदर मसाला भर देंगे। मसाला भर के, क्योंकि ये आटे की बनी हुई है तो इसके अंदर इतना ज़्यादा लोच नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ। मैदे वाली में लोच होता है तो वो चिपक जाती है, इसके अंदर थोड़ा लोच नहीं है तो आपको इसकी थोड़ा सावधानी से, क्योंकि फट ना जाए इसका ध्यान रखना है, और इस तरह से लोई बना लेनी है। अब इसी तरह से सारी कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने गैस पे ना हल्की एकदम स्लो गैस पे ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, एकदम हल्का ऑयल हमें गर्म चाहिए। तो इसी तरह से मैं दूसरी जो मैंने लोई कट करके तैयार की थी वो भी यहाँ पे मैंने बेल लिया है। नीचे आप लेयर देख सकते हो, ऊपर की साइड में हम मसाला भर लेते हैं और वैसे ही फोल्ड करके तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा तेल भी हल्का सा गर्म है तो मैं दो दो तीन तीन पीस इसके अंदर फ्राई करूँगी, तो ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है कि अच्छे से फ्राई नहीं होगी, तो दो से चार पीस तक हम इसके अंदर फ्राई कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी जगह और है कढ़ाई के अंदर, तो ये दो पीस मैं और इसको बना करके डाल देती हूँ। और ये एक से दो मिनट फ्राई होने के बाद मैंने इसको पलट दिया है, और इसी तरह से मैं इसको पलट पलट करके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लूँगी। तो बस धीरे धीरे एकदम स्लो फ्लेम पे आपको इसको सेकना, जैसे हम कचौलियाँ सेकते हैं ना ठीक वैसे ही, वही प्रोसेस है। इसके एक एक लेयर है ना अपनी आप खुलती जाएंगी, तो आप देख सकते हो छोटी या बड़ी पीस आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हो। आपको छोटा पसंद हो तो छोटी साइज में बनाइए, बड़ी पसंद हो तो आप बड़ी साइज में बना सकते हैं। तो लीजिए हमारी कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन की हो चुकी है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक एक करके सारी कचौरियाँ हम निकाल लेंगे और बची हुई कचौरियों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनी है और बहुत सारी लेयर्स भी आप देख सकते हो, एकदम से बहुत ही प्यारी सी बनी है। तो चलिए मैं आपको एक पीस तोड़ करके भी दिखाऊंगी कि कितनी खस्ता बनी है। गर्मा गर्म खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी प्यारी बनी है मटर और पालक की मसाले वाली कचौरियाँ।